हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। जैसा कि हम कमिट कर रखा है कि हम शाम के फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ, तो हमारे न्यूज़ में केवल फाइनेंशियल ही नहीं होता है, हम इसमें GST, इनकम टैक्स, हर तरह के जो एक कॉमन बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए जरूरत होती है, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करें, आज सेंसेक्स 1861 पॉइंट ऊपर रहा, निफ्टी 516 पॉइंट ऊपर रहा, यानी आप कह सकते हैं कि इतने दिनों में एक दिन ऐसा रहा जो कि कुछ अच्छा रहा। इसका अब कहना बहुत मुश्किल है कि क्या रीज़न रहा। जो मेजर रीज़न है कि US मार्केट अप रहा था, हो सकता है कि उसी का इम्पैक्ट है। कल देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा, एक तो रिलायंस के शेयर, इंडिगो के शेयर काफ़ी अच्छे ऊपर गए। रिलायंस के जाने का तो समझ में आता है कि फेसबुक उसमें 10% स्टॉक लेने वाला है जियो में, तो हो सकता है कि उसका एक सेंटिमेंट हिट हुआ हो और उसकी वजह से ये बिकवारी हुई वहाँ पे, लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया का मानना है, उन्होंने जैसा कि एक तरह से न्यूज़ आ रही है कि रोज़ का जो उनका नुकसान है 30 से 35 करोड़ का है। उनके जो प्लेन ग्राउंडेड हुए हैं उसकी वजह से उनका रोज़ का जो लॉसेज हैं वो 35 करोड़ तक पर डे जा रहा है। इस बीच में अगर बात करें तो मेक माई ट्रिप ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने बहुत टफ टाइम से चल रहे हैं और उन्होंने अपने फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप कह सकते हैं कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं या जो भी बोले, ऑपरेटिंग कॉस्ट को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ही बुरी तरह से हिट हुआ है। अगेन ई कॉमर्स की बात करते हैं, ग्रोफोर्स का अप्रॉक्सीमेटली जो उनकी डिलीवरी थी 2 लाख थी, जो कि कल जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लॉकडाउन करने के बाद 2,30,000 शहर में उनकी डिलीवरी अप्रॉक्सीमेटली पेंडिंग है। वो भी देखते हैं कि वो उसको कैसे कर पाते हैं। इसी बीच SBI, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने, जो हम सुबह में बात कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है लैंडिंग के लिए, उस पर हो सकता है वो किसी तरह की रियायत करने की कोशिश और किसी तरह का प्लान लेके आने की सोच रहे, जिससे कि जो बॉरोवर है उस पर स्ट्रेस कम रहे, बैंक के भी स्ट्रेस में कम रहे और बीच में एक ऐसे रास्ता निकाला जाए जहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए आपके जो EMI है वो हिट ना करें, ये मेरा अपना मानना है। हमने इसको सुबह के अपने न्यूज़ में भी ये चीज़ दिखाया था। आगे बात करें तो अभी अप्रैल मई में शादी का सीज़न होता है, उसको भी कोरोना वायरस की नज़र लग चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग जो कहा जा रहा है कि अब जो दिल्ली, राजस्थान और केरला में जो शादी होंगी उसमें 20 से 50 लोगों से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए किसी भी तरह के फंक्शन को बैन कर दे, इसको कोरोना वायरस को देखते हुए। इसके साथ के साथ जो आप कह सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और शादी से रिलेटेड जो कंपनी है, उन्हें भी काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो शादी के जो अभी मौसम है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत तरह की परेशानियां आ रही हैं, शादियां जो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहे, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी बहुत स्ट्रेस है ये माना जा सकता है। अगर कोरोना वायरस में फिर बात करें तो US नंबर 3 हो चुका है चाइना और इटली के बाद, यानी टोटल नंबर की बात करें तो US जैसी कंट्री के अगर हालात ये हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप लिया है बहुत काबिले तारीफ़ है और बहुत ज़रूरत थी हमारे देश के लिए, क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री जब नहीं लड़ पा रही तो हम तो अभी मेडिकल सेक्टर में आप कह सकते हैं उस लेवल पर नहीं है जहाँ US और यूरोपियन कंट्री हैं, फिर भी एक अच्छी बात है। इसी बीच में बिग बाज़ार ने कहा है कि वो अपना स्टोर चालू रखेंगे लेकिन केवल डिलीवरी देंगे और उस कुछ लिमिटेड शहर में, लेकिन बिग बाज़ार का कहना है कि वो जल्दी नंबर पब्लिश कर देंगे कि आपके घर तक जाकर वो आपको डिलीवर करेंगे, यानी आपको स्टोर में आने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करेंगे आपकी डिलीवरी आपके घर पर आ जाएगी, जो भी एक रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक रीजन में, तो जो स्पोर्ट्स इवेंट होते उसकी वजह से भी 2 बिलियन का नुकसान, 2 बिलियन US डॉलर का एशिया पैसिफिक में नुकसान हो चुका है। इंडिया में अगर आप देखें तो IPL को भी डेफर कर दिया गया, तो ये इससे रिलेटेड बहुत तरह की कंपनियां होती है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें इवेंट से लेकर हर तरह की चीज़ों में लॉस आप देख सकते हैं। साथ के साथ VLCC ने भी हैंड सैनिटाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, एक अच्छी खबर है, क्योंकि आज की डेट में हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जो हैंड सैनिटाइज़र बना सके, क्योंकि जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो नेस्ले और कोक ने अपना प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया है पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए, जब तक कि कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि देश में पूरी तरह से बंदी है, लॉकडाउन है, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई प्लांट चल पाना अभी के टाइम में मुश्किल है। तो खैर ये आज की बात हुई, कल मॉर्निंग में फिर से हम अपने फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना
ना भूलें। हम हो सकता है थोड़ा डिले हो जाएं क्योंकि घर पे नेट की स्पीड और बहुत तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारे पास कैमरामैन भी नहीं है, हमारा छोटा बच्चा हमारे लिए कैमरामैन का काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।